हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी फार्म हाउस में क्या क्या लगा हुआ है। तो ये है सीताफल, अभी आगे चल रहे हैं हम। वीडियो पूरा देखना। यहाँ पे लगा हुआ है पपैया, ये देखिए अभी कच्चा है, पका नहीं है। ये देखिए पपैया है, ये लगा हुआ है अनार, सब कच्चे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। देखिए अभी सब फल कच्चे हैं। ये है गन्ने, ये सब गन्ने हैं। और ये जो आगे दिख रहे हैं व्हाइट फूल वाले, यहाँ पे तो लौकी लगेगी, भी लगी हुई है छोटी छोटी। ये देखिए ये है लौकी का, इस पे लौकी लगेगी। यहाँ सब सब्जियाँ लगती हैं। यहाँ पे मिर्ची लगेगी, ये सब मिर्ची के हैं। ये तोरू का है, ये तोरू लगी हुई दिख रही है आपको। आगे चलिए, ये है कपास, कॉटन बनता है इससे। ये देखिए ये है कपास, ये पूरा कपास ही है इधर। ये देखिए जितना दिख रहा है ये सब कपास है, कॉटन इसी से बनता है। ये सब कपास है जितना भी दिख रहा है वाइट वाइट फूल वाले। ये फिर वापस आ गए गन्ने, यहाँ से रास्ता है आने जाने का। और ये है देसी ग्वार फली, देसी ग्वार फली की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये सब ग्वारफली लगी हुई है। पूरा व्यू दिखा लेती हूँ आपको, देखिए पूरा व्यू। ये जितने भी वाइट कलर के फूल वाले कपास हैं, शाम के वक्त बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये है बटरफ्लाई, ये देखिए पूरा व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये लगे हुए फ्लावर, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो आज हम फार्म हाउस पे ही खाना बनाएंगे। तो मैं बना रही हूँ अब दाल, लहसुन छोल दिया है मैंने, अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ दाल का। अभी मैं एक पैन में तेल गरम करूँगी। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, अभी मैंने छौंक लगाया राई जीरे का। अभी हमारा मसाला पक रहा है दाल का।
आज हम फार्म हाउस पे ही खाना खाएंगे। अभी मसाला पक रहा है, मैं उबली हुई दाल इसमें डाल दूंगी। ये घर की दाल है, मूंग दाल। मैंने इसमें तीन तरह के मसाले और डाले हैं, ऊपर से घाटी मसाला है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मूंग की दाल है, दाल बहुत अच्छी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी बनाइए, खाइए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। ये देखिए दाल हमारी बन गई है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, हमारी दाल पूरी तरह से रेडी है। ये देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।